नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर के अब आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले चुनाव आयोग के ऊपर भयंकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। किस तरह से इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से मुसलमानों और अजान और इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके बयान को भी आगे सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट देने वाले जज साहब को बनाया गया गवर्नर। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला किया है, क्या कुछ कहा है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को जो है धमकी देने वाला जो आरोपी है वो हैदराबाद से अरेस्ट हो गया है। आरोपी का जो नाम है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भयंकर टकराव, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके ही नेताओं ने खोला मोर्चा, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान, महंगाई के मुद्दों पर 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा काम करने जा रही है, कौन सा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ अब इजराइल की सरकार और वहां के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में निकाय चुनाव चल रहे हैं दोस्तों। इसी बीच खबर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव से पहले जो है चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त नीलम साहनी स्थानीय निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने में विफल रह रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें भयंकर धांधली की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग सब कुछ देखकर भी खामोश है, और इसी को लेकर के TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आज चुनाव आयोग इस मामले पर कार्रवाई नहीं करेगा तो कल जब हमारी सरकार बनेगी तब उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, इस्लाम और नमाज अजान के खिलाफ बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं, भाजपा की भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर के राजनीतिक माहौल में गर्माहट ला दी है। इस बार उन्होंने अजान के शोर पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे न केवल साधु संतों का ध्यान भंग होता है बल्कि मरीजों को भी परेशानी होती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुताबिक फजर की अजान के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। यह अलग बात है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर डीजे पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बड़े बड़े लाउडस्पीकर डीजे लगा करके अगर कोई दूसरा काम करता है तो उससे इनके कान में ना तो कोई परेशानी होती है ना मरीजों को होती है, लेकिन अजान से इनको बहुत दिक्कत हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमित शाह को क्लीन चिट देने वाले जज को बनाया गया गवर्नर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हुई हमलावर। आप इस खबर को देख सकते हैं, राफेल डील में कथित घूसखोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी को लेकर के एक निजी न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता RP सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौरव बल्लभ ने कहा है कि अगर सबूत है तो तत्काल FIR दर्ज करवाई जाए, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि CBI को आप क्यों चुप कराकर बैठे हो, आपके पास कोई प्रूफ है तो जाइए शिकायत करवाइए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह को जिन्होंने क्लीन चिट दी थी, जिस जज ने क्लीन चिट दी थी, वो जज साहब केरल के गवर्नर बना दिए गए हैं। वहीं उन्होंने राफेल सौदे को लेकर के भी कहा है कि आखिर जिस कंपनी को प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कंपनी कहा, अमित शाह ने बोकस कहा, उस पर से बैन क्यों हटाया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के गौरव बल्लभ जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर
बड़ा हमला किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को जो है धमकी देने वाला आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कहा है कि 23 वर्ष का राम नागेश श्रीनिवास आकुबाथिनी के रूप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जो है T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान से भारत की टीम हारी थी, उसके बाद विराट कोहली की बेटी को इन्होंने ही रेप की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। फाइनली अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी है वो राम नागेश बताया जा रहा है, जो कि हैदराबाद का एक शख्स है और हैदराबाद का रहने वाला, जहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के नेताओं ने अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोला मोर्चा। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दे तो वह तत्काल नाराज होकर के साधु बन जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी के खिलाफ लगातार जो है उनके ही नेता मोर्चा खोले हुए हैं, और इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं, महंगाई के मुद्दे पर 14 नवंबर से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी 14 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में पद यात्रा करेंगे, साथ ही वे जनसंवाद और दूसरे संपर्क कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अब इजराइल की सरकार भी सामने आ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, भारत को छोड़ करके सभी देशों ने जिस तरह से पेगासस को बायकॉट किया है, इसका असर अब इजराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं, इजराइल ने छोड़ा एनएसओ का साथ, जासूसी के लिए पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी को निजी फर्म बता करके इससे पीछे हट गई है इजराइल की सरकार, और कहा है कि हमारा लेना देना इससे कुछ और किसी तरह का नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी को यह बड़ा झटका इजराइल ने ही दे दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा में हो रही हिंसा के खिलाफ जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में शामिल पत्रकार और जो यानी वकील थे उनके खिलाफ जिस तरह से त्रिपुरा पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस मामले के खिलाफ अब यूएपीए का विरोध करने के खिलाफ जो है अब सुप्रीम कोर्ट ये सारे वकील पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा हिंसा में जिन वकीलों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया था, उन पत्रकारों के अब जो है समर्थन में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिससे आने वाले दिनों में त्रिपुरा हिंसा का विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।